पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं तब से ग्रामीणों में वो एकता नहीं रही जिसके लिए गांव जाने जाते थे, और अब के आधुनिक चुनावों में तो सिर फुटबॉल की स्थिति निर्मित हो जाती है। चुनावी रंजिश मतदान के कई महीने बाद तक चलती रहती है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत जोता में निर्विरोध पंच और सरपंच चुने गए हैं। पूरे प्रदेश में इस गांव की चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, आपसी सामंजस्य का इससे बेहतरीन उदाहरण कहां मिलेगा। दो बार के सरपंच हरिशंकर वर्मा को तीसरी बार निर्विरोध चुना गया है, वहीं 16 वार्डों के पंचों को भी निर्विरोध चुना गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सरगर्मी तेज है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो कि मुंगेली जिले से है। मुंगेली जिले के जोता कापा ग्राम पंचायत, जहां के सरपंच और 16 वार्ड के पंच निर्विरोध चुने गए हैं, ये न सिर्फ मुंगेली जिले बल्कि प्रदेश के लिए मिसाल बन सकता है ये पंचायत। हमारे साथ जो नव निर्वाचित पंच और सरपंच है और कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, सरपंच जीत कर आए हैं, अब कैसे स्थिति बनी निर्विरोध। गांव में ऐसे तो बैठक नहीं कराए थे सरपंच के लिए, पंचों के लिए बैठक कराए थे, लेकिन सरपंच में कभी सोचे नहीं कि कोई हम फॉर्म डालेंगे। एक दो लोग बोल रहे थे कि फॉर्म डालेंगे करके, लेकिन मेरे तक जानकारी मिली थी कि फॉर्म नहीं डालेंगे करके, और विकास कार्य को देखते हुए कि कहीं ना कहीं सक्रियता से जो काम करेगा उसको सरपंच बना देना चाहिए, ये सभी पक्ष विपक्ष सभी ने बोला है, तो ये जाकर संभव हुआ है कि हम निर्विरोध सरपंच बने हैं। अब इससे पहले भी आप सरपंच रहे हैं, तो अब क्या है, अब ऐसा क्या आपका प्लान है कि गांव में ये काम कराया जाएगा, क्या आपकी मानसिकता है? आप अपनी ग्राम पंचायत जोता में दो आश्रित ग्राम है, ग्राम नहना और ग्राम हरदी, तो विकास कार्य के स्थिति से आप गांव वालों से ज्यादा पूछ सकते हैं, बेहतर जब बता पाएंगे कि एक प्लानिंग के तहत हम लोगों ने काम किया है। लगभग यहाँ 4000 मीटर में सीसी रोड का निर्माण हुआ है, आपके सामने है कि एक प्लानिंग, कभी कुछ काम ग्राम पंचायत से किए हैं, कोई काम गौरवपथ से और कोई पीएमजीएसवाई या सीएमजीएसवाई, तो ऐसा करके एक प्लानिंग बना के किए थे, तो हर गांव हर मोहल्ले में ये जो सीसी रोड का निर्माण है हो गया, और भविष्य में जो भी बची है जो भी मूलभूत सुविधाएं उसको भी पूरा कराएंगे, और जो सड़क निर्माण में विकास कार्य है वो तो सतत प्रक्रिया है, चलता रहेगा। चारों तरफ से विकास देख रहा है सरपंच का, 10 साल से विकास करते चले आ रहा है, 15वां होना है निर्विरोध करके, लेकिन काम अच्छा है, देवी देवता सभी को मानते हैं वो लोग, और बहुत व्यवहार से गांव से चल रहा है कि बच्चा से लेकर के सियान तक उनको व्यवहार से जानता है। निश्चित तौर पर इस पंचायत से अन्य पंचायतों को और अन्य प्रत्याशियों को भी सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां आपसी सहमति से एक सरपंच और 16 पंचों का निर्विरोध चुनना आसान बात नहीं थी, लेकिन गांव यहां के गांव के लोगों ने कर दिखाया, जिसकी तारीफ अब हर जगह हो रही है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। यूनाइटेड फोरम ऑफ